बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में 59 कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद अब राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। जहां प्रशासनिक अधिकारी महामारी को मात देने की व्यवस्था में लगे हैं, वहीं सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सांसद कटारा ने बैठक में विधायक खड़िया और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए तो वहीं प्रशासन और विधायक ने आरोप को सिरे से नकारते हुए कहा कि हम आमजन के लिए कार्य कर रहे हैं। स्क्रीनिंग का मामला जो एक साथ लेके जा रहे हैं, एसडीएम को हमने अभी तुरंत बताया है और इनके प्रभारी बनकर के जो आईएएस आरएएस अधिकारी आए हुए इनसे भी मैं चर्चा करता हूं और उनको कह रहा हूं एक साथ न ले जा करके आप उसको छोटे छोटे संख्या में आप ले जाएं और उनको तुरंत वापस होम स्क्रीनिंग का उनकी व्यवस्था कर दी जाए। ये बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी, ये इनके ध्यान में दिलाया है और उसके हिसाब से वो काम करें। और जो कम एज वाले और ज़्यादा उम्र वाले हैं इनके पीछे भी निगाह रखने की जरूरत है क्योंकि इनको सहारे की जरूरत रहती है, ये बड़े परेशान नहीं हो, इसके लिए भी अभी हमने बताया तो उसकी व्यवस्था की भी बात। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आज की तारीख में 24,337 परिवार ऐसे हैं कि खाद्य सुरक्षा से वंचित है। और मैंने माननीय अशोक जी गहलोत साहब को मैंने भेजा है कि डिजायर पे कि हमारे इतने खाद्य सुरक्षा से लोग वंचित है और उनका सदस्य है 84,718, तो आज भी इन लोगों के खाने पीने की बहुत समस्या आ रही है। और